Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So यहाँ पर CPT के कोर्स में ये हमारी यहाँ पर थर्ड वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि SSC एग्जाम के लिए होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज थर्ड वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स बातों के बारे में यहाँ पर सीखेंगे, जैसे प्रिंट आउट कैसे लेते हैं और प्रिंट आउट लेते टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कई बार होता है आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो वो दो पेजों में आ जाता है, क्योंकि प्रॉपर अगर प्रिंट आपका नहीं निकला तो फिर जो भी आपने काम किया है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली हमें जो भी काम किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के उन्हें देना होता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट आउट वहाँ पर प्रॉपर वे में आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं जस्ट अपने मन से ही कुछ यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी सारी बातें सीखेंगे और फिर उसका मैं प्रिंट आउट लेना भी बताऊंगा कि कैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं और उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सो बेसिक चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल सीट ओपन करेंगे। सो एक्सेल सीट ओपन करने के कई तरीके हैं, जैसे अभी हम राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सेल सीट ओपन कर रहे थे, ठीक है। सो हम एक्सेल सीट ओपन यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल हम होम की प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर जो रन कमांड रन करवाने का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हम एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो रन कमांड की सहायता से भी आप एक्सेल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सेल सीट हमें ओपन हो जाएगी, इसमें हमें ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पर एक्सेल की जो वर्क सीट है इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। लेट्स इसको 14 कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने पूरी सीट को सेलेक्ट करके किया है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी सेल का चेंज होगा। सो हमने पूरी सीट को सेलेक्ट करके फॉन्ट है जो 14 कर लिया है, और जो फॉन्ट साइज 14 कर लिया, फॉन्ट है जो यहाँ पर एरियल कर लिया, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा एंटर करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करूँगा, जैसे लेट्स से इसमें नेम, ठीक है। हम एक कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। नेम जैसे यहां पर फिर मैं सब्जेक्ट्स लिख दूंगा, ठीक है, मैथ्स और SST, ठीक है। फिर इसके हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल के बाद यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और परसेंटेज के बाद यहां पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एवरेज के बाद हम मिनिमम भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरीके से हम मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इसमें कई सारे फंक्शंस यूज हो जाएंगे, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम कैसे हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आया हूँ इस वीडियो को, ठीक है। सो इसमें अब यहाँ पर हम डेटा एंटर कर लेंगे कुछ, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स के नेम और उन सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स यहाँ पर मैं एंटर कर लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मार्क्स है जो एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो मैंने एंटर कर लिया, ठीक है। सिंपली मैंने रेंडमली डेटा यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। नेम और जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैंने मार्क्स हैं यहाँ से यहाँ पे वो एंटर कर लिए हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने की, ठीक है। सो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि फंक्शन का यूज करते हैं हम, ठीक है, सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेंज देनी होगी कहाँ से कहाँ तक का टोटल करना है, ठीक है। सो हमें इन चारों सब्जेक्ट्स का टोटल करना है। सो यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं, या तो B2 से E2 तक है ना, या फिर हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके ऐसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वो रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। सो उसका टोटल इसने यहाँ पर
सो करवा दिया। अब इसी तरीके से रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको सिंपली ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमने ड्रैग किया है, ठीक है। कई बार हम जैसे ये कॉलम है, ये सेल है, तो इसको हम ड्रैग करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रैग करना चाहते हैं बट हम कई बार जल्दी में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम ये मूव हो गया यहाँ से यहाँ पर। हमें ड्रैग कैसे करना है, जो ये कॉर्नर है इस पे आप जैसे माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर जो ये अरिथमेटिक जो प्लस साइन है वो बन जाएगा। वो जैसे ही मैं इस पे ले जाऊंगा जो ये बन जाएगा तब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है ड्रैग करना, ठीक है। और जैसे ही हम किसी भी ये बॉर्डर है सेल का इस पे माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर जो चारों साइड्स में एरो का जो सिंबल आ रहा है इसका मतलब है कि इस सेल को मूव करवाना है। हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ड्रैग करना और मूव करना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल उस सेल के बीच में से क्लिक करके और फिर ऐसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी इसलिए मैंने बता दी कैसे ड्रैग करते हैं और कैसे मूव करना होता है, कैसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करना। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्सेल में, हमें सिंपल जो मैथमेटिकल वे में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें करना होगा। जैसे हम क्या करते हैं, टोटल ऑब्टेन मार्क्स बटे डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल्स। अब हमें क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कहाँ पे, ये टोटल मार्क्स हैं तो ये क्या है F2 में है, ठीक है। जैसे पहले स्टूडेंट की हम बात करें तो F2 में उसके टोटल मार्क्स हैं, हम क्या करेंगे F2, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय करेंगे टोटल मार्क्स, जो भी टोटल मार्क्स हैं जैसे 360 हैं, लेट से ये 360 में से हैं, और इनटू करेंगे हम यहाँ पर 100, ठीक है। ये सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए हम इसको सिंपल ड्रैग करके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला होता है, आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं AVERAGE, ठीक है, एवरेज। या फिर आपको क्या करना है, सिंपल इस सेल में एवरेज कैलकुलेट करना है लेट से, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ से फॉर्मूला जो ऑटो सम वाला ऑप्शन है यहाँ से जाके मैं एवरेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एवरेज यहाँ पर एवरेज वाला फंक्शन अप्लाई कर देगा। बट ये क्या करेगा, कंप्लीट रो को यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट कर लेगा, उसको इंक्लूड कर लेगा, बट हमको तो चारों सब्जेक्ट्स में मतलब B2 से लेके E2 तक का एवरेज चाहिए, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पर रेंज को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जहाँ तक हमें एवरेज कैलकुलेट करना है उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये एवरेज कैलकुलेट कर देगा इन मार्क्स का, ठीक है। इसी तरीके से रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए हम इसको सिंपल ड्रैग कर लेंगे। सेम अब मिनिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मिनिमम के लिए भी फंक्शन होता है मिन, ठीक, और कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, इन नंबर्स का मिनिमम कैलकुलेट करना है तो इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो मिनिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देगा। सेम तरीके से हम अदर स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और अब सेम वे में हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस का यूज करके परसेंटेज, टोटल, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने इतना काम कर लिया, ठीक है, अब हम इसका लेट से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इसको देखना चाहते हैं हम अभी ये कैसा शो करेगा हमें पेपर पे जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तब, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे, फाइल वाले ऑप्शन से जाके प्रिंट में जाएंगे और जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा कि
कैसा ये पेज में आपका जो वर्क किया है वो दिखने वाला है प्रिंट आउट लेने के बाद। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं, जो लाइंस थी वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे जो एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो ये हेडिंग्स हैं ये यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही हैं। ठीक है, सो दो प्रॉब्लम्स अभी हमारे पास हैं। ठीक है, सो इनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं प्रिंट आउट के टाइम पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो ये लाइंस हमें जो सेल्स हैं ये सिर्फ शीट में, एक्सेल शीट में शो करती हैं, प्रिंट आउट के टाइम पे ये विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमें इसमें जो बॉर्डर्स है वो अप्लाई करने होंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर ऑल बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ पर बॉर्डर्स है जो अप्लाई कर देगा पूरी टेबल पे। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आउट चेक करूंगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब की बार इसने बॉर्डर्स है वो अप्लाई कर दिया है। बट अब जो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी वो है कि जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। ठीक है, सो इनको प्रॉपर विजिबल करने के लिए आप यहाँ या तो यहाँ से इनको ड्रैग करके जो सेल्स हैं उनकी हाइट को, उनकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ से ऐसे ड्रैग करके, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक्सेल में ऑटोमेटिक ये हाइट को और विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट वाला। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मुझे इस सेल का यहाँ पर परसेंटेज वाले सेल की हाइट है, जो सॉरी विड्थ है, उसको फिक्स करना है, ऑटो सेट करना है, मतलब कि वो ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी विड्थ को सेट कर देगा। सो हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, ऊपर से हेडिंग से जो जी लिखा हुआ है ना, हेडिंग से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट कॉलम को। ठीक है, फिर यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी विड्थ को यहाँ पर सेट कर देगा। इसी तरीके से हम जो रिमेनिंग है एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम, इनको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विड्थ है वो सेट कर देगा। ठीक है, इसको भी मुझे प्रॉपर करना है तो यहाँ पर मैं कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर विजिबल हो गई हैं। ठीक है, बट हमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई है कि जो ये परसेंटेज है ये यहाँ पे थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सारे डिजिट्स में यहाँ पे शो कर रहा है। वो आपको बोल सकते हैं एग्जाम में कि पॉइंट के बाद सिर्फ दो डेसिमल तक आपको शो करवाना है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल आपको इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल वाला। ठीक है, सो इससे करके आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल हैं उनको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको जिस डेटा को आपको चेंज करना है, जैसे वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सो इसको इसमें यहाँ पर हेडिंग आपको सेलेक्ट नहीं करनी, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है। तो मैंने डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं जो पॉइंट के बाद डेसिमल्स हैं उनको मैं इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर कर सकता हूँ। सो लेट्स से हम पॉइंट के बाद दो डिजिट तक शो करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर दो डिजिट तक का ले लूँगा। ठीक है, बट अब आप देखेंगे सिर्फ पॉइंट के बाद दो डिजिट शो कर रहा है, बट यहाँ पे इसमें स्पेस काफ़ी है, मतलब इसकी जो विड्थ है सेल की वो ज़्यादा है। तो हम वापस से इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके और हम ऑटो फिट कर देंगे। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, सो अब ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज की जो बात करते हैं, अभी एक बार हम इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब दोनों हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो गई हैं। एक तो बॉर्डर्स अप्लाई हो गया है और जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हैं। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अब हम बात करते हैं, एग्जाम में बोलता है कि जो ये हेडिंग्स हैं, जैसे इन रो वन में जो हेडिंग्स हैं और जो कॉलम ए में जो नेम्स हैं, इनको आपको सेंटर अलाइन करना होता है। ठीक है,
तो सेंटर अलाइन करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल अलाइनमेंट यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रो वन का अलाइनमेंट भी आप सेंटर कर सकते हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करके जिसका अलाइनमेंट भी मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर अलाइनमेंट भी हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमें सपोज हम एक सेल या फिर एक रो यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ये डेटा यहाँ पे टेबल हमने बना लिया, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे देना भूल गए हैं लेट से। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमें टेबल के ऊपर हम एक रो है जो एक्स्ट्रा रो इंक्लूड करवाना चाहते हैं या इंसर्ट करवाना चाहते हैं। सो हम कभी भी एक्सेल में किसी भी टाइम पे कहीं भी हम एक्स्ट्रा रो और कॉलम्स यहाँ पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं। सो लेट से हम यहाँ पर रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कहाँ पे, जस्ट इस टेबल के ऊपर हम एक रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं ताकि हम जो टेबल है उसकी हेडिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकें कि ये डेटा है जो क्या है, किससे रिलेटेड ये डेटा है, ठीक है। सो हमें जहाँ पे ये ध्यान रखना है एक्सेल में, आपको जब भी ये रो इंसर्ट करता है तो जो भी रो सेलेक्टेड होगी उसके ऊपर ही ये नेक्स्ट रो, नई रो ये इंसर्ट करवाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम सपोज टेबल के ऊपर यहाँ पर नई रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हम रो वन सेलेक्ट कर लेंगे, अब फिर इंसर्ट करेंगे तो इसका मतलब है इसके ऊपर इंसर्ट करेगा, हमेशा सेलेक्टेड रो के ऊपर न्यू रो इंसर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम इंसर्ट करवाना है, जैसे हमें बी और सी के बीच में लेट से कॉलम इंसर्ट करवाना है तो कॉलम हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं सी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा और कॉलम इंसर्ट करवाऊंगा तो ये हमेशा सी के लेफ्ट में करेगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, रो हमेशा सेलेक्टेड रो के ऊपर इंसर्ट करता है और कॉलम को हमेशा सेलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट में इंसर्ट करता है। सो फिलहाल हमें नई रो इंसर्ट करवानी है इस टेबल के जस्ट ऊपर, ठीक है। सो हम पहली रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारी रो को सेलेक्ट कर लो या फिर एक कॉलम को सेलेक्ट कर लो, एक सेल को सेलेक्ट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं इंसर्ट करवाने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सेल्स में जाके इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमें इंसर्ट सीट रो, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसने एक नई रो यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, इसको सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कुछ ऑप्शन हैं, आपको क्या सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंटायर रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं सो इंटायर रो वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करके और ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे रो हमें यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। सो अब हेडिंग देने के लिए वो आपको बोलता है कि हेडिंग, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी हेडिंग लिख दूंगा, लेट से कोई स्कूल का ये डेटा है तो लेट से मैं लिख दूंगा यहाँ पे सुबोध सीनियर सेकेंडली स्कूल जयपुर, ठीक है, हेडिंग हमने यहाँ पे दे दिया है। बट अब हेडिंग है जो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर नहीं विजिबल है क्योंकि यहाँ पे सेल्स अलग अलग हैं जबकि हेडिंग तो एक ही सेल में आनी चाहिए एक तरीके से, तो आपको एग्जाम में बोल देगा कि इसको आप मर्ज कर दीजिए, इन सारे सेल्स को मर्ज कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी करवा सकता है वो, मर्ज करवा के इसको बोल्ड करवा लेगा, अंडरलाइन करवा लेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करवा सकता है, ठीक है। सो आपको मर्ज करने के लिए सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है जितने सेल्स को आप मर्ज करवाना है, नॉर्मली हम जो भी जितने टेबल्स है जितनी बड़ी उन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसको मर्ज कर देगा सारे सेल्स को और इसका अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देगा, ठीक है। सो अब इसने मर्ज कर दिया है और अलाइनमेंट भी सेंटर कर दिया, ठीक है। हम चाहें तो इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो भी यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए बोल सकता है तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेट से इसका बैकग्राउंड कलर में फिल कर दिया, इससे यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप फिल कर सकते हैं, कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो फॉन्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको लेट से रेड कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे काम कर लिया है, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंटआउट लेंगे, ठीक है। सो प्रिंटआउट लेने के लिए मैं जैसे ही प्रिंट पे जाऊँगा, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ठीक आ रहा है, अच्छे से विजिबल है डेटा, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा डेटा अभी यहाँ पे पूरा शो नहीं कर रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे टोटल परसेंटेज एवरेज शो कर रहा है, जबकि मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दो पेज इसने क्रिएट कर दिए, सेकेंड पेज पे शो कर रहा है ये बाकी का डेटा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रिंट एक ही पेज में निकालना है। सो इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहां से आप देखेंगे पेज की साइज आपको चेक करना है, ठीक है। पेज की साइज आप पेज लेआउट पे जाके देख सकते हैं, और पेज लेआउट पे जाके पेज की साइज और पेज का ओरिएंटेशन दोनों चेक करना है। तो अभी मैं पेज का ओरिएंटेशन पेज की साइज में A4 सेट कर देता हूँ, ठीक है। A4 मैंने सेट कर दिया है, ये ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट A4 होती है, या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं। सो अब A4 का मतलब है कि ये A4 साइज का पेपर है, उस पे प्रिंट निकालेगा। तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ तक A4 साइज है, तो इसके बाहर वाला जो डेटा है उसको ये दूसरे पेज पे निकाल देगा, क्योंकि पेज की साइज तो यहाँ तक ही है, ठीक है। सो जो रिमेनिंग है, इससे ज्यादा डेटा है, उसको सेकेंड पेज पे निकालेगा। सो इसके लिए आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे पोर्ट्रेट है, ठीक है, तो इसको हम लैंडस्केप करेंगे तो ये तिरछा पेज पे मतलब कि प्रिंटआउट निकालेगा, तो इसको मैं लैंडस्केप करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं लैंडस्केप करने के बाद इसकी साइज है जो यहाँ तक इनक्रीज, जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ तक आ गई है, मतलब कि अब ये डेटा हमारी टेबल जो एक पेज पे कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी। तो इसका हम प्रिंट प्रीव्यू दोबारा देख सकते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब की बार की ये टेबल है जो हमारी एक ही पेज में कंप्लीट यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक ही पेज में यहाँ पर ये डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है। और सेव भी कर सकते हैं अपने, यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए, सेव एज कर सकते हैं फाइल को, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूरी है आपके जो काम किया है उसको पहले सेव कर लीजिए, ताकि एक बार वो सेव हो जाएगा तो प्रिंट आउट तो बाद में निकाल सकते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। सो मैं इसको डेस्कटॉप पे लेट से सेव कर लूंगा, एक्सल मॉड्यूल 3 नाम से, ठीक है। सो अब ये सेव हो गया, तो आप इसको इजीली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं, कुछ फंक्शंस देखे हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हमने एक बार रिवीजन समझ लीजिए इसको, हमने कैसे सम, परसेंटेज, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने मेनली यहाँ पे देखा है कि हम प्रिंट आउट निकालते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टूडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।